कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल किचन विद अतिया। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज मुनफरिद अंदाज में, जिसे आप बनाकर जीत लेंगे अपने घर वालों का दिल और अपने मेहमानों का। बस आपने करना ये है कि मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, अपना फीडबैक मुझे देना है और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलना। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चार इडलीज। मुझे जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है उसको मैंने ली है। स्वीट वाटर मैंने भी ली है, इसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर ली है। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट लिया है। 2 टू 3 टेबल स्पून मैंने रबर ली है। 2 ग्रीन चिलीज में इसको बारीक स्लाइसेस में कट कर ली है। 1 टेबल स्पून मैंने गरम साबुत गरम मसाला लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा हो जाएगा और बाकी के 1/2 टीस्पून में वो लौंग है, 8 से 9 काली मिर्च है और सिनेमन के पीसीस हैं कुछ 4 से 5। सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड होगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टू 3 टेबल स्पून अचार इसमें ऐड होगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड होगा। एक मैंने टोमेटो लिया बड़े साइज में, इसको मैंने बारीक साइज में कट कर लिया और एक मैंने प्याज लिया बड़े साइज में और इसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में हमने तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए, अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इसे बाकी पैकेज ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ग्रीन चिलीज हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून है, ज़ीरा हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और बाकी ये साबुत गरम मसाला। और अब हम इसमें अचार ऐड कर देंगे। अचार हमने थोड़ा सा बचाया है, वो हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो है प्याज टमाटर वगैरह ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसको कवर कर देंगे। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे दही। इसे कवर कर देंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए। अच्छे से मिक्स कर दिए और आप हम इसे कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख दिए। मसाला हमारा रेडी हो गया, अब हम इसको जीरा ऐड कर देंगे।
और इसे अच्छे से मिक्स करके और उसको दम वाली आँच पे कवर करके रख देंगे। टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए इसको रखेंगे। हमारी मौजूदा अचारी भिंडी तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारी मज़ेदार अचारी भिंडी तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए।